हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो तो वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखो, देखते रहो वीडियो, मज़ा आएगा आपको। तो स्टार्टिंग में हम जो पढ़ने वाले हैं, सारे मैंने यहाँ पर नोट्स बना के रखे हैं, बस आपको सिर्फ वॉच करना है अच्छी तरह से, ठीक है। देखो, डिवीजन ऑफ ए पॉलीनोमियल बाय अ पॉलीनोमियल, मतलब हम क्या करने वाले हैं। देखो, अब तक आप एडिशन ऑफ अलजेब्रा पढ़े, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा पढ़े हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा पढ़े, तो ये डिवीजन का है पूरा। तो हम डिवीजन करना सीखेंगे। डिवीजन ऑफ ए पॉलीनोमियल बाय ए पॉलीनोमियल, मतलब एक पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल डिवाइड होगा। तो पॉलीनोमियल के अंडर तो सारे आते हैं, आपका मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, सब सारे सारे चले आते हैं आपके। ओके, तो उसी तो हेडिंग तो ये होगा ना, पॉलीनोमियल से एक पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है आपको। तो पहला हम जो पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल पढ़ेंगे। तो मोनोमियल भी आपका एक पॉलीनोमियल ही है ना, और ये भी आपका पॉलीनोमियल है। तो एक मोनोमियल से मोनोमियल कैसे डिवीजन करते हैं वो हम बात करेंगे। ओके, देखो तो पहला स्टार्ट करते हैं, ये आपका पॉलीनोमियल, ये भी आपका पॉलीनोमियल है। तो हम डिवीजन डिवीजन सीख रहे हैं किसका, पॉलीनोमियल टू ए पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल में कौन सा पॉलीनोमियल, मतलब आपका मोनोमियल, इस दूसरा वाला भी जो कौन सा पॉलीनोमियल ना मोनोमियल। तो मोनोमियल टू मोनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो कैसे होगा, इस तरह के जो जो मोनोमियल टू मोनोमियल जो होते हैं, एक ही टर्म जिसका होता है वो किससे डिवीजन करते हैं। इसका सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन आई थिंक मुझे रेड ब्लैक पेन से करता हूँ। देखो एक मिनट बच्चों, मुझे तरह पेन ढूंढने दो, ये रहा। तो हम पहले क्या लिखेंगे बताओ, पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये बच्चों ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, ये आपका डिनोमिनेटर, मतलब इससे ये डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला पहला लिखा जाएगा ऊपर, 18x^5 पहला ये लिखा जाएगा बाय, ये दूसरा फिर नीचे लिखा जाएगा -3x³। हमें डिवाइड करना है इससे इससे। ओके, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये ऊपर ये न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर। अब सिंपल सी बात है, इसको आप एक्सपेंड कर दो ना, 18x^5 को हम क्या लिख सकते हैं, 18x^5। इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको चाहो तो पूरा एक्सपेंड कर सकते हो, x को 5 बार लिखो, बट उतना नहीं करना है। -3x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, -3x^3, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे करोगे, क्लियर है कि नहीं। चलो अब काटते हैं इसको, तो काटो, ये कट जाएगा, नीचे आपका -1, ये और आपका आपका कितना 6, और ये ऊपर 5, ऊपर x^5 है, नीचे x^3 है, तो कट नहीं जाएगा, कितना रहा, x^3 रहेगा ऊपर। जिसको ऐसे समझ में नहीं, आपको ऐसे ही करना होगा। और अगर पूरा आप एक्सपांड करके करना चाहते हो तो टाइम टेकिंग है। जैसे इसको मान लो मैंने ऐसे लिखा, अगर मैं इसको ऐसे करता तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ऐसा ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, आप चीज़ों को और जल्दी से शॉर्टकट वे में सीखो। x को देखो मैंने 5 बार लिखा, फिर -3x को मैंने देखो यहाँ पर 3 बार लिखा। ऐसे करने से टाइम टेकिंग, ठीक है, कर तो लोगे आसानी से, 6 हो गया, और ये भी आसानी से कर लोगे। देखो ये x कटा, ये x, ये नीचे ऊपर नीचे, फिर ये कटा ऊपर, यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ कटा -1 रहा, क्या बचा ऊपर, देखो 6। इसको अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अब सॉल्व करो क्या बचेगा, देखो 6 रहा, ये रहा आपका x³ बाय, ये नीचे आपका -1, तो नेगेटिव तो कभी नहीं रहेगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, तो -6x³ होगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करो, वही आएगा, देखो -1 तो ऊपर चला जाएगा, 6 रहा, और नीचे तो कुछ बचा है नहीं, ऊपर यहाँ पर x यहाँ पर कितने बार बचा है, एक मिनट, x यहाँ पर कितने बार है, सॉरी सर यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया क्या, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 3 है ना, तो यहाँ पर 2 होगा। ओके, मैंने यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ पर 2 नीचे सोचा, बट यहाँ पर 3 है ना, देखो ऊपर 5 नीचे 3 है, तो कट जाएगा तो ऊपर x^2 ही रहेगा ना, तो यहाँ पर 2 रहेगा बच्चों, ठीक है, इसको आप 2 कर दो। तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर देखो x 2 बार रहा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6, यहाँ -6 आपका x का स्क्वायर हो गया, तो ये होगा आपका आंसर। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं बताओ। तो अब इस वे में मत जाओ, अब इसको इस वे में फॉलो करो, ये मेथड सबसे बेस्ट है। अब क्यों उसको इतना लंबा चौड़ा एक्सपांड करोगे, क्या ज़रूरत है इतना लंबा करने के लिए, ठीक है, बट मैं आपको बता दें कि देखो ऐसे होता है। तो आंसर अब ये मेथड करो या फिर ये करो, आपका आंसर वही से -6x² ही आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो तो ये मैंने आपको क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे सॉल्विंग इसको करते हैं। ओके, आई होप आप समझे होगे चीज़ों को। तो यहाँ पर आंसर होगा -6x². ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल टू मोनोमियल मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सवाल क्या है, देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर सवाल, एक मिनट, ये तो अलग है पेज है, सॉरी, यहाँ पर मेरा है नेक्स्ट वाला। अब आते हैं नंबर 2 पे, पहले आपको समझ में आ गया डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल टू मोनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलीनोमियल बाय ए मोनोमियल, मतलब इसको करने के लिए, मतलब पॉलीनोमियल के अंदर कुछ भी आ सकता है, मोनोमियल भी आ सकता है, आपका बाइनोमियल भी आ सकता है, ट्राइनोमियल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है।
तो हम पॉलीनोमियल बाय या मोनोमियल सीखेंगे हम, मतलब एक पॉलीनोमियल होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसको हम डिवाइड करेंगे मोनोमियल से ही करेंगे उसको डिवाइड। ओके, अभी हम मोनोमियल ही पढ़ेंगे फिलहाल, एक बड़े से कोई भी इस जगह पर कोई भी हो सकता है, उसको हम पढ़ने डिवाइड करेंगे किसी कम से मोनोमियल के साथ ही अभी हम सीखेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके उसको उसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स हैं। देर आर थ्री मेथड्स फॉर डिवाइडिंग ए पॉलीनोमियल बाय मोनोमियल। तो पहला जो मेथड है आपको डिवीजन नॉर्मल, इसका नाम है डिवाइड, डिवाइड करके देखते हैं कैसे होगा। पहला मेथड देखो बड़े ध्यान से, ईजी है पूरा, देखो मैंने सवाल यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कैसे करेंगे इसको। तो पहले ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पहला वाला ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, तो न्यूमरेटर पार्ट ऐसे लिख दो, 6x4 माइनस 8x³ प्लस 10x² प्लस 12x, ये लिखा मैंने न्यूमरेटर, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर दो, तो होल जो कि हर एक के साथ डिवाइड हो रहा है ना 2x। ओके यहाँ तक तो समझ में आ गई चीज़ें। अच्छा ये जो 2x यहाँ पर जो डिवाइड हुआ है, हर एक टर्म के साथ डिवाइड हुआ है कि नहीं, हर एक टर्म के साथ डिवाइड हुआ है। तो पहला यहाँ पर टर्म क्या है, 6x⁴, इसके साथ भी आपका 2x डिवाइड हुआ है, ये तो माइनस से रिलेशन है इसका, ये है क्या 8x³ है, तो 8x³ के साथ भी यहाँ पर 2x डिवाइड हुआ है, प्लस का साइन यहाँ पर दो। फिर ये रहा आपका 10x² के साथ भी आपका 2x डिवाइड हुआ है, प्लस 12x के साथ भी आपका 2x यहाँ पर नीचे डिवाइड हुआ है। ओके अब इसको सॉल्विंग करते हैं, देखो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। तो ये पहले पहले नंबर नंबर को देखो, फिर वेरिएबल को देखेंगे। नंबर नंबर कट गया, यहाँ पर 3 रहा, ध्यान से करना, 6x⁴ है नीचे x है, ये कट जाएगा कितना रहेगा, 6x³ रहेगा ऊपर। अब यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, देखो आप क्रॉस में तो ऐसे काट नहीं सकते ना, क्रॉस में नहीं, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव का साइन है, इनटू होता तो ऊपर साइड में हम क्रॉस में काट सकते थे ऐसे, बट हम ऊपर नीचे तो काट सकते हैं ना आराम से, याद रखना बच्चों क्रॉस में से मत काट देना, ठीक है, ऊपर नीचे ही सब कटेगा। अच्छा इसको करते हैं, ये कितना कटा, यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर 4 रहा। ओके अब इसको करो, ये कट जाएगा आपका ऊपर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर रहा, इसको करो यह कट जाएगा 5, ये कट जाएगा आपका x रहेगा यहाँ पर, ये 2 से यहाँ पर 6 हुआ, और यहाँ x x कैंसिल, तो क्या बचा, जो भी बचा यहाँ पर ध्यान से लिखो क्या क्या ऊपर है, यहाँ पर 3 और x³, यहाँ पर क्या रहा 3x³ रहा। अब यहाँ पर देखो क्या रहा 4x², ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का रिलेशन दो, फिर यहाँ पर रहा 4x². ओके फिर प्लस का साइन दे दो, ये कितना है आपका, क्या बचा ऊपर 5x, यहाँ 5x लिखो, और यहाँ पर सिर्फ 6 ही बचा है, तो प्लस 6, तो ये होगा आपका आंसर। ईजी है कि नहीं बताओ, ओके समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों पहला मेथड सीख चुके हैं, अब बढ़ते हैं दूसरा मेथड, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या होता है, देखो इफ पॉसिबल, यहाँ पर देखो पहला पहले ही बोल दिया है, अगर पॉसिबल हो तो, इस चीज़ को बच्चे इग्नोर करते हैं, इस यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दो, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तब फैक्टराइज करो द गिवन, जो भी पॉलीनोमियल आपको गिवन होगा पहले उसको फैक्टराइज करो, अगर पॉसिबल होता है फैक्टराइज कर पाते हो तो करो, इफ पॉसिबल विच इज विच टू बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइडेड हम डिवाइड करने वाले हैं मोनोमियल के साथ, मतलब डिविडेंड के बारे में बोल रहा है वो, इन सच ए वे दैट, इस तरह से करो कि उसका जो एक फैक्टर होगा ना, फैक्टर्स करोगे ऑब्वियसली उसका एक फैक्टर निकलेगा, उसका जो भी फैक्टर्स निकले हमें उसे मतलब नहीं, बट उसमें से कोई एक फैक्टर जो होगा ना वो कॉमन रहेगा, कॉमन कहाँ रहेगा, ऊपर भी रहेगा न्यूमिनेटर में भी रहेगा, नीचे भी रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसका एक कोई जो फैक्टर है ना तो वो हमारा क्या कॉमन होना चाहिए, एंड दैट फैक्टर इज द सेम एज ए गिवन मोनोमियल, जो भी आपका हम मोनोमियल से भी सीख रहे हैं ना, तो मोनोमियल से वो फैक्टर मैच करना चाहिए, ठीक है, वो कॉमन, कॉमन मतलब क्या, ऊपर जो कॉमन का मतलब भाई तेरे पास जो है मेरे पास वही है, कॉमन चीज़ है, तो मोनोमियल जो करने वाले हैं ना, तो मोनोमियल से वो चीज़ें मैच करनी चाहिए, और जो फैक्टर उसके अंदर जो होगा, ठीक है। तो इस मेथड को कैसे करें हम, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में, फैक्टराइज मेथड ऐसे ही होते हैं, पहले फैक्टर्स आपको करना पड़ेगा, देन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो पहले हम फैक्टर करते हैं पहले। ओके रेडी स्टार्ट, ये हमारा सवाल है, मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले न्यूमरेटर पोर्शन लिख दो ऊपर, ये लिख दो आपको 4y³ लिखो प्लस 8y का स्क्वायर देन माइनस 6y, ये होल डिवाइडेड बाय कितना 4y, ठीक है। अच्छा अब ऊपर देखो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, मैंने कहा था जो मोनोमियल जो उसको हमको सेम, तो यहाँ पर बच्चों 4y ही आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्या 4y कॉमन नहीं लोगे ना तो बोला है भाई, तो भाई ऐसा कोई कॉमन मतलब फैक्टर खोजोगे जो इसके जो आपके मोनोमियल के साथ मैच करे, तो आपको 4y लेना पड़ेगा कॉमन। 4y कॉमन लेने से ऊपर वाले में क्या रहेगा, 4y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा, 4 तो रहेगा नहीं, y तो रहेगा नहीं, 1y चला गया इसके अंदर से, तो y का स्क्वायर रहा पहला ही वाला, इसका करो ये तो आपका कितना, मतलब कॉमन जब लेते हैं तो मतलब डिवाइड ही हो रहा है ना, तो 8y² के साथ 4y डिवाइड करो, तो ये देखो y y कैंसिल, ये कितना आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा,
इसको करो। अगर बच्चा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको साइड में यहाँ पर रफ कर लो ना, क्या दिक्कत है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म के साथ 4y डिवाइड हुआ है। तो पहला टर्म यहाँ पर क्या था, 4y का क्यूब, तो 4y का क्यूब के साथ आपका 4y डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर दूसरा क्या क्या था यहाँ पर, 8y स्क्वायर था, तो 8y स्क्वायर के साथ भी आपका 4y डिवाइड होगा। तीसरा क्या था, -6 था ना, -6y था, इसके साथ भी आपका 4y डिवाइड होगा। देखो 4y हर एक के साथ यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। कॉमन जो लेते हैं ना, क्या होता है हर एक टर्म के साथ वो डिवाइड होता है। तो इसको सॉल्व करने से कितना आपका है, देखो 4 कैंसिल, ये आपका वाई का स्क्वायर रहा कि नहीं, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। दूसरे पे आते हैं तो ये आपका कटा यहाँ पर 2 से कटा, फिर यहाँ पर ये एक वाई रहा, तो 2y यहाँ पर आ, देखो 2y लिखा है मैंने। अब इसको करो वाई वाई कैंसिल, इसको लोस्ट टर्म करते हैं, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो -3/2 होगा। तो यहाँ पर लिखो -3/2, ठीक है। अच्छा नीचे तो आपको पहले से था 4y, पहले से था। अब देखो ये 4/4 कट जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनटू है, देखो यहाँ पर इनटू है कि नहीं, इसलिए कट गया। आप चाहो तो प्लस साइन के अंदर से इसको आप ऊपर नीचे नहीं काट सकते, अब जब इनटू का रिलेशन होगा तभी आप काट पाओगे, ओके। तो कट जाएगा, तो हमारा जो रिमेनिंग जो रहा वही आपका आंसर होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3/2, नीचे वाले तो कट गए, तो ये होगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस फैक्टर, तो बच्चों ये होता है आपका फैक्टर मेथड। जब मैं वर्कशीट 3 कराऊंगा ना, तो और भी कुछ फैक्टर मेथड के एग्जांपल दूंगा आपको, ओके चलो। बट रूल यही है, पहले फैक्टर्स करना है, और एक उसमें से कोई एक जो फैक्टर होगा ना उसमें से, वो आपके जो जिससे जो आपका डिवाइजर जो होता है, जो नीचे होता है, उससे मैच करेगा, वो मैच करेगा तभी ना काट पाओगे उसको, वहाँ से हटा पाओगे। फैक्टर मेथड समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है, जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है लॉन्ग डिविजन मेथड, ओके। तो यहाँ पर कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए, पहले वो आपको मैं समझा दूँ। लॉन्ग डिविजन मेथड में क्या होता है, ऐसा क्या ऐसा होता है इसके अंदर, देखो रूल क्या है। रूल नंबर 1, बोथ डिविडेंड, मैं पहले आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ बच्चों, कि यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ साइड में। यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन ऐसे मैं कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको बचपन में पढ़ेंगे वो किसके बारे में। यहाँ पर जो बीच में होता है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चों डिविडेंड, अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें लिख लो, डिविडेंड। यहाँ पर जो साइड में होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, नोट कर लो। और यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर होता है, अब आप बोलो सर हमको तो पता ही है, पर लिख लो, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर जो बचे लास्ट में जो यहाँ पर रहेगा, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो रूल क्या है, बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखना। लॉन्ग डिविजन का मेथड का रूल है कि जो हमारा डिविडेंड हो, मतलब जो बीच वाला, और जो डिवाइजर हो, मतलब ये साइड वाला, ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या है, ठीक है, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल, कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिविजन अंटिल वी गेट द रिमाइंडर विद डिग्री लेस देन दैट ऑफ द डिवाइजर ऑफ द रिमाइंडर एज 0। यहाँ पर बोला गया है कि आप डिविजन का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते रहो जब तक आपका जो रिमाइंडर का डिग्री आपका डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो, इक्वल होगा तभी भी आपको आगे करना है। जब डिग्री कम हो जाए रिमाइंडर का डिग्री, जब डिवाइजर के डिवाइजर का जो डिग्री उसे कम हो जाए, उस केस में आपको डिविजन का प्रोसेस स्टॉप कर लेना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, देखो तो ये हमारे, इससे हमें डिवाइड करना है कि से टू एक्स को, अभी हमारा मोनोमियल ही चल रहा है हमारा, ओके, अभी तो हम बाइनोमियल आए नहीं है, हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल टू मोनोमियल हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम किए हैं बच्चों, आपका डिवाइजर हमेशा आपका मोनोमियल ही है अभी तक। नेक्स्ट वर्कशीट 3 जब हम पढ़ेंगे तो उसका हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल टू बाइनोमियल हम पढ़ेंगे, ओके। तो पहले अभी मोनोमियल ही हमारा चल रहा है, तो लॉन्ग डिविजन मेथड में आपको बता देता हूँ उसका, मोनोमियल में थोड़ा अलग से होगा, उसमें थोड़ा अलग होगा, तो डिफरेंशिएट है कुछ। तो चलो मोनोमियल का भी पढ़ रहे हैं, मोनोमियल पे से बात करते हैं। देखो यहाँ पर 2x यहाँ पर साइड में लिख दो, और ये जो इतना बड़ा है ना इसको बीच में लिखो, ये आपका डिविडेंड है, -4x² प्लस 6x³। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अरे यहाँ पर गलती हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, चलो चलो काटो काटो काटो। देखो यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, क्या गलती किया बच्चों, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म चेक नहीं किया, मैंने रूल नंबर 1 नहीं फॉलो किया, वो बोला कि डिविडेंड और डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या हमारा जो सवाल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो, तो चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो पहले। तो पहले हम लिखेंगे 6x³ पहला, फिर आएगा आपका -4x², देन -5x, -13, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपका डिवाइजर तो ऑलरेडी एक ही है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब लिख लो यहाँ पर साइड में, यहाँ पर लिखो 2x, मोर एक बार लिख दें 2x, अब इसको थोड़ा भूल जाओ, 2x यहाँ पर बीच में 6x³ -4x² -5x -13।
तो अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे रूल्स मैं आपको बताता हूँ, इसको याद रखना। यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर लो, रफ़ पार्ट, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो रफ। अब रफ़ करने के लिए मैंने स्पेस यहाँ बनाया है। ओके, हमेशा एक चीज़ याद रखना आपको, डिवाइज़र पार्ट आपको पहले रफ पार्ट में लिख लेना है, डिवाइज़र को यहाँ पर आप साइड में लिख लो। तो ये हमारा डिवाइज़र क्या है, 2x है, इसको यहाँ पर साइड में लिख लो। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हमेशा आप ट्राई करोगे कि इससे मैच करने के लिए। यहाँ पर पहला टर्म आपका क्या है, 6x³ है। तो 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 2x में हम क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर आपको 6x³ मिल जाए। इससे आपको मैच करना है पहला वाला टर्म से, पहला वाला टर्म से आपको मैच करना है। तो 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, हम 3 × 3 करेंगे। देखो पहले ऐसे सोचो कि यहाँ पर मुझे 6x³, मुझे 2x को 6x³ बनाना है, मुझे 2x को 6x³ बनाना है। तो पहले नंबर को सेम कर लेते हैं, फिर वेरिएबल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 6 चाहिए, नंबर यहाँ पर 2 है पहले से, मैं और 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर तो सेम हो ही गया, 6 हो गया। अब मुझे वेरिएबल को भी देखना है, वेरिएबल x³ मुझे चाहिए, ऑलरेडी इस x है इसके पास। तो और यहाँ पर x² अगर मैं ऐसे ले लूँ तो अभी x³ हो नहीं जाएगा। अब इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो आप, आपने कुछ सोचा, अब यहाँ पर लिखा, अब सॉल्व करके देख लो ना 6x³ हो रहा है कि नहीं। देखो पहले नंबर मल्टीप्लाई, 3 × 2 6 हो गया, x² है, x कितने x³ होगी नहीं, ठीक है। तो हमने 2x में बच्चों क्या मल्टीप्लाई किया, 3x² मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर लिखो 3x², हम डिवाइजर में जो भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर लिखते हैं ना क्वेश्चन में, जो हमारा नॉर्मल डिवीजन का रूल है। तो हमने 2x में ये मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 6x³ मिला, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो माइनस कौन से केस में होगा, जब आपका वेरिएबल, जब आपका लाइक टर्म्स होगा। तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, यस इट इज इन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स के नीचे ही आपको लाइक टर्म्स लिखना है, या इस चीज़ें भी आप दिमाग में घुसा लो अभी से, लाइक टर्म्स के नीचे ही आपको लाइक टर्म्स लिखना है, तभी ना अभी इसको कर पाओगे। आपने कॉलम मेथड तो पढ़ा ही होगा क्लास 6 और 7 में, एक दो मेथड आपने पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा का, एक डिवीजन, एक आपका सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा का आपने दो मेथड क्या पढ़ा था, पहला आपने पढ़ा होगा कॉलम मेथड, जो हॉरिजॉन्टल मेथड आप करते थे, फिर आप कॉलम मेथड भी आप सीखिए, ऊपर नीचे वाला जो मेथड होता है कॉलम मेथड। अगर जो बच्चों को भी कॉलम मेथड में सीखना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और एक बार नहीं तो कॉलम मेथड जो होता है सब्ट्रैक्शन का उसके ऊपर अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बट आई होप आपको सब पता है, मुझे पता है सबको ये चीज़ें जानते होंगे कॉलम मेथड में कैसे किया जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा। तो कॉलम मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है यहाँ पर लास्ट में उसको हम चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव करना पड़ता है। ये पॉजिटिव आपका, ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव होगा, यहाँ पर चेंज करते हैं साइन हम। तो ये अब यहाँ पर जो 6x का जो साइन है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्या होगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आप किसी को कैंसिल कर दो या फिर जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल ही कर दो आप, ठीक है। ये तो कट गया, अब नीचे क्या, अब ये सारे उतर जाएंगे, −4x² रहा। अब चाहो तो एक साथ सारे नंबर उतार सकते हो, बट नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं ना उस वैसा नहीं होता है, एक एक नंबर उतरता है। बट आपका जो अलजेब्रा का जो पॉलीनोमियल का जो डिवीजन है, आप चाहो तो एक साथ सारे नंबर भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यहाँ पे एक एक करके उतार रहा हूँ, −4x² हो गया, ठीक है। अच्छा फिर सोचो, फिर आपको डिवाइजर को यहाँ पर लिख देना है रफ पार्ट में। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको −4x² मिल जाए, सोचो। तो ऑब्वियसली आप −2x ही करोगे, इसको −2x ही करोगे, तभी ना आपका −4x² आएगा, माइनस सही ना मुझे, तो −2x लिखना पड़ेगा। तो माइनस देखो यहाँ पर 2 × 2 = 4, 4x² आ गया, यहाँ पर लिख दो −4x², ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव करो, इसको काटो, यहाँ पर कट जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। फिर क्या उतरा, उतारो −5x है। ओके, फिर से मुझे डिवाइजर लिखना पड़ेगा क्या, 2x में क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे −5x मिल जाए, सोचो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान से फोकस करो। यहाँ पर मैं रफ कर लूँ, साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं पहले डिवाइजर लिख दिया यहाँ पर 2x, ओके समझना ध्यान से, मुझे चाहिए कितना, −5x है मुझे चाहिए। तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि −5x आ जाए, आपका दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा, अरे यार इसको कैसे करें, 5 कैसे लाएं। तो सबसे जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ध्यान समझना, मुझे क्या करना है, मुझे ये 2x को मुझे 5x बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, x मुझे चाहिए, x को नहीं हटाते हैं, छोड़ो, ये 2 को हटा कर हम यहाँ पर −5x लिख दें तो हो जाएगा हमारा काम, अरे होगा कि नहीं। अगर ये 2x को मुझे −5x बनाना है, सिंपल सी बात है, मैं x को तो हटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे x चाहिए, और ये सिर्फ 2 को मैं हटाऊंगा, 2 को हटा के, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 को हटा कर यहाँ पर 5 लाना है। अगर आप 2 को अगर मैं हटा के यहाँ पर −5 ला दूँ तो हो जाएगा −5x ही है, होगा कि नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझना ध्यान से, मुझे 2 को हटाना है, जब मैं हटाना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, 2 को हटाना है और −5 को लाना है। तो हटाना मतलब क्या होता है, देखो 2 को वहाँ से हटा दो, तो जो हटाएंगे, जो जितने नंबर हम हटाने वाले हैं ना, उसको यहाँ पर नीचे यहाँ पर उतना नंबर डिवाइड कर दो। देखो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ तुमको, जितना नंबर तुमको हटाना, जो भी नंबर आपको हटाना है, उतना ही नंबर यहाँ पर नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइड ही करना है आपको।
और जितना नंबर आपको चाहिए आपको लाना है, जैसे 2 को हटा के हमें हमें -5 चाहिए, -5 को लाना है, तो जो हम लाने वाले जो नंबर है ना वो ऊपर लिखे जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर जैसे वो मल्टीप्लाई होगा, 2 को हटाना था हमने 2 का डिवाइड कर दिया, जो हम नंबर चाहते हैं जो हमको ला जो हम लाना चाहते हैं नंबर वो मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो -5 हमें चाहिए, -5 को हम लाए हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने। सिंपल सी बात है, सिंपली भी बाद में बोलूँ तो जिसको हटाना है उसको डिवाइड करो और जिसको लाना है आपको उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने -5 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, ये 2 यहाँ पर डिवाइड किया 2x के साथ, ठीक है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर की है बच्चों, ओके समझ में आ गई चीज़ें। अच्छा तो ऐसा करने से क्या ये 5x बन जाएगा? देखो बन जाएगा, देखो अब इसको सॉल्व करो ना, ये 2 2 आपको कैंसिल हो गया, -5x रहा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ, समझ में आ गई चीज़ें, देखो कितना ईजी है, आई होप आप समझे होगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों -5/2 लिखा, तो यहाँ पर मेरा -5x आ गया। अब ये आपका पॉजिटिव है, ये आपको कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0, रिमाइंडर 0, अब तो कुछ रहा नहीं, और एक है ना 13 है हमारा, तो -13 यहाँ पर हमने नीचे लाया। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्यों सॉल्व नहीं होगा, अब यहाँ पर समझो, ये जो हमारा यहाँ पर उतरा ये आपका, देखो ये फर्दर अब सॉल्व होगा क्यों नहीं यहाँ पर समझना है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब इस यहाँ पर सॉल्व होगा ही नहीं, क्यों? देखो यहाँ पर जो 13 है ना, 13 है ना, इसका जो डिग्री कितना है बताओ मुझे, ये आपका एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डिग्री क्या है, 0 है। इसका डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना इसका डिग्री क्या है, 0 है। मैंने कहा था डिवाइज़र, हमारा सेकेंड रूल यहाँ पर फॉलो हुआ, और ये हमारा डिवाइज़र, इसका डिग्री कितना है बच्चों, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या है, 1 है, इसका डिग्री क्या है, 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर का। तो जब डिग्री 0, जब यहाँ पर रिमाइंडर का डिग्री जो है अगर डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, देखो कम हो ही गया ना, 0 is less than 1, 0 कम ही है ना, तो यहाँ पर हमें रुक जाना है। जब आपको यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा कुछ सब कुछ चीज़, आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई देखो डिवाइजर जो हमारा रिमाइंडर है ना उसका जो डिग्री है वो हमेशा कम रहेगा डिवाइजर से। जैसे ही कम आ गया वहीं पर आप रुक जाओ, अब फर्दर आपको सॉल्व नहीं करना डिवीजन, बस वहीं पर आपको स्टॉप ब्रेक लगा दो वहाँ पर। तो हमेशा ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें, ये बहुत, ये दो आपका जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है आपको हमेशा याद रखेंगे, दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपको वर्कशीट 2 में तो काम करेंगी, बट वर्कशीट 3 में बहुत ज़्यादा काम करेंगी, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम बाइनोमियल को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ मोनोमियल के बारे में ही, सारे तीनों मेथड में मोनोमियल के बारे में ही मैंने आपको बताया है, ओके। तो इसके ये जो मैंने ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इससे आप वर्कशीट 2 बड़े आसानी से कर पाओगे, क्योंकि वर्कशीट 2 को करने में ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब वर्कशीट 2 बड़े आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर से वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, फिर से आपको वर्कशीट 3 का हम स्टार्ट करेंगे, ओके बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके 1 by 1। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।